हेलो, वेलकम टू लॉकडाउन इन पाठशाला रामगढ़। आई एम रुमा कुमारी, इंग्लिश टीचर फ्रॉम केवी हाई स्कूल दारी। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच लेसन 7 ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम देयर सप्लीमेंट्री रीडर बुक नेम मोमेंट्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लीफ। इट इज रिटन बाय ओ हेनरी। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, स्यू एंड चॉन्सी। कम टू द स्टोरी। स्यू एंड चॉन्सी वेर टू यंग आर्टिस्ट। ये दोनों जो हैं, ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों दोस्त हैं और आर्टिस्ट हैं। तो बोथ फ्रेंड्स लिव टुगेदर इन ए स्मॉल फ्लैट। वे एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। एक पुराने से बंगले मकान में, एक पुराने बिल्डिंग में वे तीसरे मंजिले पर रहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज चॉन्सी कॉट निमोनिया। और सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि चॉन्सी जो है, दोनों एक बार क्या हुआ कि दोनों साथ में रहते रहते एक बार चॉन्सी को फॉल इल, वो बीमार पड़ गई और उसे निमोनिया हो गया। शी वॉज वरीड। वो बहुत चिंतित हो गई कि उसकी दोस्त चॉन्सी बीमार पड़ गई है। सी सेंट फॉर डॉक्टर। वो एक डॉक्टर को बुलाई, बट डॉक्टर टोल्ड, जब डॉक्टर वापस मतलब उसके घर आया, चॉन्सी को चेकअप किया, तो सीव को बताया कि चॉन्सी हैड लॉस्ट द विल टू लिव। वो जो जीने का उसके अंदर जो इच्छा है उसने वो खो दिया है। सो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। इसलिए दवाई जो है उसका कोई भी काम नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ कि शिव ट्राई टू कंफर्ट हर। अब शिव के पास कोई रास्ता नहीं था। वो चाहती थी कि वो उसको, उसका जो विलिंग पावर, विल, जो जीने का जो इच्छा है उसको वो क्या करे, वो जगाए। इसलिए शिव टॉक्ड अबाउट मैनी थिंग्स। शिव ने बहुत सारी बातें की, लाइक फैशन एंड क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, टू टेक हर इंटरेस्ट, अपने फ्रेंड के इंटरेस्ट को लेने के लिए। लेकिन शिव यहाँ तक कि ये भी क्या कि शिव ब्रॉट अ ड्राइंग बोर्ड इनटू द जॉन्सीज रूम। वो जॉन्सी के कमरे में एक ड्राइंग बोर्ड लाई और स्टार्टेड पेंटिंग, उसमें पेंटिंग करना शुरू किया, बट इट वॉज वेन। ये सब बेकार था, कोई भी फायदा नहीं हुआ। जॉन्सी जो का त्यो रह गया। फोर्थ पॉइंट इज जॉन्सीज स्ट्रेंज फैंसी। अब क्या था कि चॉन्सी बीमार, जब वो निमोनिया उसे था, वो सफर कर रही थी, सारी सी वन सी वॉज शॉपिंग फ्रॉम निमोनिया। चॉन्सी के दिमाग में एक विचित्र तरह का वो कल्पना कर लिया उसने कि आउट क्यों, और वो इसका वजह ये है कि आउटसाइड द रूम एट द विंडो ऑफ चॉन्सी, चॉन्सी के कमरे के बाहर जो मतलब उसका जो खिड़की था उसके बाहर एक आईवी क्रीपर था, और एक लता, एक आईवी इज अ टाइप ऑफ क्रीपर एंड जिसे हम बेल कह सकते हैं कि एक बेल था ऑन द वॉल, दीवार पर। शी लुक्ड एट दिस, चॉन्सी उसे देखी एंड शी वाज, वो उसने क्या देखा कि शी सॉ दैट लीव्स वर शेडिंग। उसमें जो पत्ते लगे हुए थे उस बेल पे, आईवी क्रीपर पर, वो क्या है कि वो शेडिंग कर रहे हैं, झड़ रहे हैं ड्यू टू ऑटम मौसम की वजह से, सीजन की वजह से। वन डे, एक दिन क्या हुआ कि चॉन्सी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड, चॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, यानी पिछली गिनती गिन रही थी। शिव आस्क द रीजन फॉर इट। तब शिव ने उसके वजह पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। शी रिप्लाइड दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ। तब उसने कहा कि शिव से कहा चॉन्सी ने कि मैं मर जाऊंगी जब अंतिम पत्ती गिर जाएगा, जब इस बेल का अंतिम पत्ता गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी। और इस वजह से क्या हुआ कि, और ये 3 दिन के अंदर ही हो जाएगा, दिस विल बी हैपन इन 3 डेज। और इससे शिव बहुत अपसेट हो गए। कम टू द फिफ्थ पॉइंट, शिव मेट बेरमन। शिव बैरमन से मिलती है। अब ये जानते हैं, अब ये देखते हैं कि हम बैरमन यहाँ पे कौन है। तो बैरमन उसके मंजिले, जिस बिल्डिंग पे वे दोनों फ्रेंड चॉन्सी और शिव रहती थी, उसी मंजिल पर, वो ग्राउंड फ्लोर पर एक पेंटर रहता था जिसका नाम था बैरमन। शिव मेट बैरमन हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग। उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर बैरमन रहा करता था और उससे शिव मिलती है। He was an old painter. वो एक वृद्ध व्यक्ति था और वो पेंटर था, and had a dream to paint a masterpiece. और उसका एक सपना था कि वो एक masterpiece बनाए। That means कि वो एक ऐसा, मतलब एक ऐसा पेंटिंग बनाए जो सर्वश्रेष्ठ कलाकृति, उसके जीवन का वो सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हो। She told Bergman about Johnson's strange fancy.
अब जब बैरमन से सीव मिलती है तो सीव को बता सीव बैरमन से बताती है जॉन्सी के बारे में कि इस तरह का बात है, उसकी फ्रेंड का एक अजीब सा एक विचित्र उसका कल्पना है उसके दिमाग में. व्हेन जॉन्सी वाज स्लीपिंग, और ये सब बात सुन करके दोनों जियो सीव और बैरमन जॉन्सी के कमरे में जाते हैं जब वे सो रही थी. बोथ इंटर टू जॉन्सीज रूम एंड सॉ, और उन्होंने देखा द आईवी क्रीपर हैड ओनली वन लीफ, उसमें सिर्फ एक ही पत्ता है, उस आईवी क्रीपर में एक ही पत्ता है बचा हुआ लेफ्ट. इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी. इट सीम्ड द लास्ट लीफ वुड फॉल एनी टाइम, ऐसा दिख रहा था कि वो जो अंतिम पत्ता है उस आईवी क्रीपर में वो कभी भी फॉल कर सकता है, किसी भी समय वो झड़ सकता है, झड़ के गिर सकता है. सिक्स पॉइंट इज जॉन्सी सॉ द लास्ट लीफ, जॉन्सी ने अंतिम पत्ते को देखा. किस तरह से अंतिम पत्ते को देखा, जब वो बीमार थी और वो उसका ऐसा कल्पना हो गया था कि ये लास्ट लीफ जब जिस दिन झड़ेगा उसी दिन उसका डेथ हो जाएगा. तो फिर क्या हुआ कि व्हेन जॉन्सी अवेक फ्रॉम हर स्लीप, जब अपने नींद से वो जगी तो उसने क्या देखा, शी फाउंड दैट द लीफ आउटसाइड द विंडो, उसके खिड़की के बाहर जो पत्ता था वो बिल्कुल क्या था, वॉज ग्रीन एंड हेल्दी, वो बिल्कुल हरा था और हेल्दी था, स्वस्थ था. इट डिडंट फॉल इवन इन द स्टॉर्मी इवनिंग, इतने तूफानी शाम होने के बावजूद भी, लगातार बारिश होने के बावजूद भी वो पत्ता झड़ा नहीं था. दिस रिवाइव्ड अ विल टू द टू लिव इन जॉन्सी, अब जॉन्सी के अंदर में अब क्या हुआ, एक इच्छा जगा, उसे दोबारा उसे उसके अंदर एक जीने का इच्छा जगा, पुनर्जीवित हुआ, रिवाइव हुआ. एंड आफ्टर दैट, उसके बाद शी बिकेम अ नॉर्मल एंड हेल्दी गर्ल, वो एक हेल्दी गर्ल बन हो गई, यानी कि उस पत्ते से उसे एक फिर से विलिंग पावर, उसे जीने का एक विल आया और वो एक नॉर्मल गर्ल बन गई. बट एक्यूज्ड हरसेल्फ, लेकिन अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि वो किस तरह का कल्पना कर रही थी कि ये पत्ता जो है वो झड़ जाएगा और उसके साथ उसकी जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए अपने आप को वो क्या कर रही थी कि एक्यूज्ड कर रही थी. सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज सीव टोल्ड जॉन्सी अबाउट बैरमन, यानी कि सीव जब ठीक हो गई तो फिर क्या हुआ कि सीव ने जॉन्सी जब ठीक हो गई तो सीव ने जॉन्सी को बैरमन के बारे में बताया कि ये बैरमन आखिर उसके लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है अपना. नेक्स्ट मॉर्निंग सीव टोल्ड जॉन्सी अबाउट बैरमन, अगले सुबह सीव ने जॉन्सी को बैरमन के बारे में बताया. ही हैड सफर्ड फ्रॉम निमोनिया, उसे क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था, बैरमन को निमोनिया हो गया था. एंड डाइड इन द मॉर्निंग, और वो उसी सुबह में उसका उसकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी. हिज क्लोथ्स एंड शूज वेर वेट, उसके जो कपड़े थे यानी कि बैरमन के कपड़े और भीगे गीले थे, यानी कि कपड़े और जो जूते हैं वो गीले पाए गए. देयर वॉज ए लेडर, और वहाँ एक सीढ़ी था. एंड अ लैम्प विथ सम ब्रशेस, और एक लैम्प था और कुछ ब्रशेस लाइंग नियर द ग्रीन क्रीपर, ग्रीन क्रीपर के नीचे मतलब उसके सामने में, नियर उसके सामने में पड़ा हुआ था कुछ, एक लेडर, एक लैम्प और कुछ ब्रशेस. ही हैड पेंटेड अ ग्रीन लीफ ऑन द वॉल, और उसने क्या बताया, सीव ने बताया कि वो वहां पर बीते रात को क्या किया है, एक ग्रीन लीफ पेंट किया है दीवार पर. एंड इट वॉज हिज मास्टर पीस, और वो उसका मास्टर पीस था, यानी कि जो पेंटिंग उसने बनाई, एक पत्ते की पेंटिंग बनाई, वो उसका मास्टर पीस था. और वो इसलिए मास्टर पीस था बिकॉज दिस पेंटिंग सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी, क्योंकि इसी पेंटिंग के द्वारा जॉन्सी के जीवन को बचाया गया. तो आई होप ये जो स्टोरी है, ये छोटा सा स्टोरी है और आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद मतलब अच्छा लगे तो इसे दोबारा देखिए और कोशिश कीजिए कि स्टोरी को समझें और अपने बुक को भी थोड़ा रीड आउट कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और ट्राई टू डू द क्वेश्चन आंसर, इसमें क्वेश्चन आंसर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट भी आएगा, तो आप उसके अनुसार इस वीडियो को देख करके तैयारी कीजिएगा. ओके, थैंक यू.